हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हम यूनिट नंबर 2 करने वाले हैं। इसमें थोड़े से एलिमेंट्स हैं जो हमने थोड़ा बहुत लर्न करना है, बाकी ये यूनिट भी छोटा सा ही है। देखो, सबसे पहले क्या है एचआरडी, कल्चर एंड क्लाइमेट क्या होता है। तो हमें पहले कल्चर समझना है और फिर क्लाइमेट समझना है। कल्चर क्या है? कल्चर में हमारे बिहेवियरल नॉर्म्स, हमारे जो एजम्पशंस हैं या बिलीव्स हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो सब आएंगे। तो कल्चर में बेसिकली क्या आएगा? बिहेवियरल नॉर्म्स, एजम्पशंस एंड बिलीव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अच्छा है, बेनिफिशियल है, अगर हाई एंड लो में हमने देखा, तो दैट वुड डायरेक्टली इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल पीपल। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में बिहेवियरल नॉर्म्स, एजम्पशन एंड बिलीव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पार्ट करेंगे। और जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, ये किन फैक्टर से, ऑब्जेक्टिव फैक्टर से प्रिसीव होता है? इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग, अटेंशन टू डिटेल, आउटकम ओरिएंटेशन, पीपल ओरिएंटेशन, टीम ओरिएंटेशन, एग्रेसिवनेस, स्टेबिलिटी। अगर ये डायग्राम थोड़ा सा समझ आता है, वरना अगर आप ये भी बनाया हो कितना सा एलिमेंट, वो भी ठीक है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज गुड फॉर द परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन लेवल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में क्या आ गया? जो बिहेवियरल नॉर्म्स, एजम्पशंस एंड बिलीव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट क्या है मीनिंग ऑफ एचआरडी? एचआरडी क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्लाइमेट। तो एचआरडी क्लाइमेट समझेंगे। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? इंप्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे उनको हम इनहांस करके उनकी स्किल्स वगैरह को, प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। डेवलपमेंट क्या है? उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उनको प्रेजेंट जॉब की या फ्यूचर जॉब की, उनका एक्विजिशन करना और उनको इम्प्रूव करना, उनकी पोटेंशियल लेवल तक लेके जाना। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज सिंपली हेल्पिंग पीपल टू एक्वायर देयर कॉम्पिटेंसीज। अब हमारा कंसेप्ट बट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्लाइमेट। इसका मतलब है दैट ओवरऑल फीलिंग दैट इज कन्वेड बाय द फिजिकल लेआउट, द वे एम्प्लॉयज इंटरैक्ट, द वे मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट देमसेल्व्स विद आउटसाइडर्स। तो क्लाइमेट क्या है, मतलब वहाँ का वर्किंग एनवायरमेंट क्या है, फिजिकल लेआउट क्या है। वर्ड को कौन सा वर्ड याद कर सकते हो? फिजिकल लेआउट। फिजिकल लेआउट कैसी है? ओवरऑल फीलिंग इज कन्वेड बाय द फिजिकल लेआउट। जो फिजिकल लेआउट या फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से ओवरऑल कैसी फीलिंग डिपिक्ट की जाती है, दैट इज एचआरडी क्लाइमेट। अब अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एचआरडी क्लाइमेट, तो थोड़े बहुत पॉइंट्स आप अपनी तरफ से बना देना कि एचआरडी क्लाइमेट ये है कि कैसे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, खुद भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा ये तीन एलिमेंट्स के नाम आपको याद करके जाने पड़ेंगे। तीन एलिमेंट्स आप मेंशन कर देना। सबसे पहले क्या है? जनरल क्लाइमेट। सेकेंड है ओटी, ओ सी टी ए पी ए सी, इसकी फुल फॉर्म अभी आपको बताती हूँ। थर्ड है एचआरडी मैकेनिक्स। हमने एचआरडी मैकेनिक्स टॉपिक कवर किया है पहले यूनिट में, तो वहाँ से एचआरडी मैकेनिक आप एक्सपैंड कर सकते हो जितना मर्जी। जनरल क्लाइमेट को भी कर सकते हो और ओटी, ओ सी टी ए पी ए सी को भी कर सकते हो। तो मेन जो आपको तीन हेड्स बना के आने हैं एलिमेंट्स ऑफ एचआरडी क्लाइमेट में, वो ये वाले तीन हेड्स बना के आने हैं। अभी जनरल क्लाइमेट क्या हो गया कि कैसी इंपॉर्टेंस दी जाती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इन जनरल बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड लाइन मैनेजर्स। तो जो लाइन मैनेजर्स हैं या टॉप मैनेजर्स हैं, वो कितना की इंपॉर्टेंस देते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, दैट इज जनरल क्लाइमेट। ठीक है, अब ओ टी, ओ सी टी ए पी ए सी क्या है? ओ मतलब ओपननेस, ओपननेस कितनी है वहाँ पे, कन्फ्रंट्रेशन कितनी है, ट्रस्ट और ऑटोनॉमी, प्रो एक्टिविटी, ऑथेंटिसिटी एंड कोलैबोरेशन आर वैल्यूड एंड प्रमोटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम क्या वर्ड लगते जाएंगे? ओ से ओपननेस, सी से कन्फ्रंटेशन, टी से ट्रस्ट, ए से ऑटोनॉमी, पी से प्रो एक्टिविटी, ए से ऑथेंटिसिटी एंड सी से कोलैबोरेशन। ओ सी टी ए पी ए सी, ऑक्टा पैक ऐसे याद कर लो। ठीक है, एच आर डी मैकेनिक्स क्या है कि किस एक्सटेंट तक जो एच आर डी मैकेनिक्स है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। सो ये सारे एलिमेंट्स हैं कि किस वे से एच आर डी का क्लाइमेट है, क्योंकि क्लाइमेट किस पे डिपेंड करेगा? जनरल क्लाइमेट पे, ये ओटी ऑक्टा पैक पे, और जो एच आर डी मैकेनिज्म है वो किस एक्सटेंट तक फॉलो किए जाते हैं। इसमें क्या है? मेजर्स ऑफ एच आर डी क्लाइमेट। अब हमें एच आर डी क्लाइमेट को देखना है कि एच आर डी क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, तो हम मल्टीपल चीजें लिख सकते हैं यार कि इस चीजों से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वहाँ का एचआरडी क्लाइमेट कैसा है। सबसे पहली बात, वहाँ का लीडरशिप स्टाइल कौन सा फॉलो हो रहा है। इसमें समझा सकते हो कि ऑटोक्रेटिक फॉलो हो रहा है, डेमोक्रेटिक फॉलो हो रहा है, लेजिस फेयर फॉलो हो रहा है, बेनिवोलेंट फॉलो हो रहा है, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल फॉलो हो रहा है। तो मल्टीपल लीडरशिप स्टाइल्स के नाम लिख सकते हो कि कौन सा स्टाइल फॉलो हो रहा है, उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वहाँ का एचआरडी क्लाइमेट कैसा है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि मैनेजरियल अजम्पशन क्या है अबाउट द ह्यूमन नेचर। जो मैनेजर है उनका इनबिल्ट अजम्पशन क्या है अबाउट द ह्यूमन नेचर। मैनेजरियल्स के वैल्यूज एंड एथोस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, वहाँ की वर्किंग कंडीशंस क्या है, वहाँ पे रिलेशनशिप्स कैसी हैं। तो आप मल्टीपल चीज़ें मेंशन कर सकते हो, ऐसा कुछ इसमें कॉन्क्रीट नहीं है कि हम मेयरमेंट करने के हमारे पास फॉर्मूलाज हैं या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है।
We can measure the HRD climate by the economic condition, leadership styles, managerial assumptions about the human nature, managerial values and ethos and organizational size. तो ये पांच ही पॉइंट नहीं, आप जितने मर्जी पॉइंट बना के आ सकते हैं. नेक्स्ट है फैक्टर्स टू HRD क्लाइमेट. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो HRD क्लाइमेट पर इफेक्ट डालते हैं? मैनेजमेंट स्टाइल, मैंने आपको लीडरशिप स्टाइल बोला, मैनेजमेंट स्टाइल बोला, फिलोसफीज, जो पर्सनल पॉलिसीज हैं वो भी एचआरडी क्लाइमेट पर इफेक्ट डालते हैं. जो एचआरडी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं या सिस्टम्स हैं जो फॉलो होते हैं वो भी एचआरडी क्लाइमेट पर इफेक्ट डालते हैं. नेक्स्ट क्या है, सेल्फ रिन्यूअल मैकेनिक्स, सेल्फ रिन्यूअल मैकेनिक्स पे इफेक्ट डालते हैं. और जो लाइन मैनेजर्स हैं वो कितने कमिटेड हैं ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं इन द एचआरडी क्लाइमेट. ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिख के आना, टॉप मैनेजमेंट स्टाइल एंड फिलोसफी, पर्सनल पॉलिसीज, एचआरडी इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिस्टम्स, सेल्फ रिन्यूअल मैकेनिक्स, कमिटमेंट ऑफ लाइन मैनेजर्स. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज HRD फॉर वर्कर्स, HRD मैकेनिक्स फॉर वर्कर्स. वर्कर्स के लिए अभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसा है? HRD फॉर वर्कर्स इज अ प्रोसेस बाय विच द वर्कर्स आर हेल्प्ड इन द कंटिन्यूस एंड प्लान्ड वे. तो HRD में हमारा जो मेन फोकस होगा वो वर्कर्स पे होगा. कैसे उनकी जो ऑक्यूपेशनल कैपेबिलिटीज है उनको इम्प्रूव करना है, उनकी इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एस्पेक्ट्स को कैसे डेवलप करना है ताकि वो हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट कर सके, उन्हें कैसे मोटिवेटेड रखना है, कैसे उनके सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना है, उनका कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव लेना या एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीजें कैसे इंप्रूव करनी है. तो आप इसमें कुछ भी लिख के आ सकते हो फ्रॉम द वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ ऐसा लर्न करने वाला नहीं है. बाकी यहाँ पे बता देती हूँ HRD मैकेनिक्स फॉर वर्कर्स, वर्कर्स को कैसे ट्रेन करना है, ये वाले वर्ड्स ना अच्छे से लर्न कर लो क्योंकि ये ऐसा वर्ड है, ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके हर एक राइटिंग, आंसर राइटिंग में काम आने वाले हैं. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ट्रेनिंग में हेल्प करता है, काउंसलिंग में हेल्प करता है, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एम्प्लॉई वेलफेयर, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, क्वालिटी सर्कल्स, ग्रीवियंस, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है उसको कैसे सॉल्व करना है. तो ये वर्ड्स लर्न कर लो, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एम्प्लॉय वेलफेयर, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, क्वालिटी सर्कल्स, ग्रीवियंस मैकेनिज्म. किसी भी आंसर में ये पॉइंटर्स लिख के आओगे उसके साथ इंटरलिंक करके, दैट इज मोर देन सफिशियंट. ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस. अब आपको पता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती हैं, ट्रेड यूनियंस होती हैं. ट्रेड यूनियंस मतलब इंडिविजुअल्स अपना ग्रुप बना रखा होता है ताकि वो अपनी जो मांगे हैं उनको पूरा कर सके. सो उनका रोल क्या है, वेजेस एंड सैलरीज का हाइक करवाना, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों ये ध्यान में रखना, डिसिप्लिन, पर्सनल पॉलिसीज, वेलफेयर, एम्प्लॉय रिलेशनशिप, नेगोशिएशन मशीनरी, सेफ गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री. तो आपको पता है कि यूनियंस का काम क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उस सब में सबके हित में हो सारी चीजें, तो वही रोल है. तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख के आओ, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. सबसे इजीएस्ट ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसमें समझ लिया तो बहुत है. दो बार वीडियो देखोगे आई गेस कि आपका सिलेबस अच्छे से हो जाएगा, दो या तीन बार आपका रिविजन होगा. जस्ट टॉपिक्स है, ऐसा कुछ लर्न नहीं है, बस एक ये याद कर लेना ताकि आप हर एक आंसर में ये पॉइंटर्स लिख के आ सको. ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, वर्कर्स, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इंप्लॉय वेलफेयर, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, क्वालिटी सर्कल्स, ग्रेवियंस मैकेनिज्म.